अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैड लॉजिक बाय सेल। आज हम एक और बहुत ही प्यारे से पैटर्न के साथ साथ आपके सामने है। ये नेकलाइन है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है, और ये बहुत ही सुपर इजी है। और इसे हम अभी आपके सामने ड्रॉ कर आपके सामने इसे एम्ब्रॉयडरी करेंगे इस पर, और इसे डिफरेंट स्टिचेस के साथ बनाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली में शामिल हो जाएं। और एक बात मैं बताती चलूं, वो ये है कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं जाता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी माय चैनल एंड फॉलो माय चैनल, थैंक यू। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीच वाला फ्लावर बनाएंगे, और इसे हम कास्ट ऑन स्टिच से बनाएंगे, ठीक है। इसके आसपास हम कास्ट ऑन स्टिच रखेंगे, और इसके जो बीच में उसे हम बुलियन नॉट से बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने थ्रेड लिया है, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वुलन थ्रेड है, ठीक है। वुलन थ्रेड भी बहुत प्यारा लगता है। देखिए, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं को, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस उसको धागे को, और यहाँ से यहाँ पर जब मैं एंड करने लगूँगी तो फिर मैं दोबारा उसे वहीं पर ले जाऊँगी जहाँ से मैंने नीडल को निकाल लेना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए कौन सा स्टेप करना है। आप मेरे हाथों की मूवमेंट को चेक कीजिएगा। इस तरह से करके आपने इस नीडल के गिर्द पे घुमाना है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। बहुत ही इजी कास्ट ऑन स्टिच का, ब्राज़ीलियन एम्ब्रॉयडरी का ये एक फ्लावर है, और जो ये बहुत इजी होता है, और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से बनकर सामने आएगा, ये आपके सामने है। आपने इसे उंगली के घेर चढ़ा कर इसे नीचे की तरफ ले जाना है, ये देखिए इस तरह, ठीक है। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है। ये बहुत, इसकी जो, याद रखिएगा कि इसकी जो ये नॉट्स है वो बिल्कुल एक ही तरफ होनी चाहिए, वरना अगर ये अलग अलग तरफ होंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से आपने धागे को खींचना है, ठीक है। धागे को खींचने के बाद इसे उस स्टेप पर दोबारा लेकर आना है जहाँ से ये स्टेप शुरू हुआ था, ये देखिए, ठीक है। और फिर मैं दोबारा इसको थ्रेड को इसके नीचे से निकाल लूँगी, ये देखिए इस तरह, सामने से निडल निकालेंगे, देखिए इस तरह, ठीक है। निडल निकालने के बाद आपने दोबारा से निडल को उसी तरफ से खींच के लेके जाना है जहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब इस निडल के गिर आपने थ्रेड को किस तरह से मूव करना है, ये देखिए। आपने अपनी उंगली के गिर्द घुमाकर, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनकर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम नीचे से निकाल लेंगे, ये देखिए, ये थ्रेड, ये वाला जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा, और ये 5 के 5 पैटर्न्स हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया, और बीच में बुलियन नोट डाल दिया है। किस तरह से बुलियन नोट डालेंगे आप, ये मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बीच से टांका उठाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। टांका उठाने के बाद आपने यहाँ से इसके बीच की स्पेस से, ठीक है, इसकी बीच की स्पेस से यहाँ से टांका उठा, यहाँ से नीडल को निकालने के बाद आप वहीं ले जाएंगे जहाँ से आपने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, ठीक है।
और फिर बुलियन नोड के लिए हम क्या करते होते हैं, हम निडल के गिर्द धागे को चढ़ाते हैं यूं करके, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बुलियन नोड नहीं चाहिए, छोटी सी बुलियन नोड चाहिए है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस तरीके से छोटी सी बुलियन नोड डाल के और इसे हल्के हाथों से खींच लेंगे, इस तरह से करके ये मैंने खींच लिया। तो इस तरीके से करने के बाद आपने इसे नीचे से जल को निकाल लिया, ये देखिए ये इस तरह का फ्लावर बनकर सामने आ जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कास्ट ऑन स्टिच और बीच में हमने बुलियन नोड से ये लाइनिंग बनाई है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पर चलते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। अब हम ये सब करने के बाद हम इस फ्लावर को भरेंगे और इन पैटर्न्स को भरेंगे, ठीक है। इसको मैं बुलियन नोट से भर रही हूँ, बुलियन नोट फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। बुलियन नोट फ्लावर बनाने के लिए आप सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा लूँगी, इनकी ये फ्री हैंड होता है, आपने इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना रखना है उतना रखना है, ठीक है। आप कितना भी रख सकते हैं, मैं छोटे छोटे से पहले इसकी बेस बनाऊंगी, ये देखो छोटी सी मैंने बेस बनाई इसकी इस तरह से। अब इस धागे को मैं नीचे से निकाल, जहाँ से स्टार्ट किया देखिए, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपने निडल को इस तरह निकाला, इसके गिर्द हमने निडल के गिर्द हमने धागे को घुमा दिया, ठीक है। हमें बहुत बड़ा नहीं चाहिए इसलिए हम थोड़ा घुमा रहे हैं, अगर हमें जो टांका है वो बड़ा चाहिए होता है ना तो फिर हम यानी कि ज़्यादा नॉट्स को घुमाते हैं, ठीक है, मिनी बुनियंस को घुमाते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हम एक छोटी छोटी सी बेसिक्स बना रहे हैं, ये देखिए बेसिक्स बन गई, यानी कि इसके बीच का पॉइंट्स बन गए। अब इसके आसपास हम क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम ने जब बेस बना ली इसकी तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे, ये फ्री हैंड होता है, आपको कोई वो नहीं है कि आपने यहाँ से निकालना वहाँ से, बस ये याद रखिएगा कि जहाँ तक आपने रखना है वहाँ तक मैं नीडल रखूँगी, ये देखिए इस तरह नीडल रखूँगी और जहाँ से स्टार्ट किया है नीडल को वहाँ तक ले जाऊँगी, ये देखिए जहाँ पर आपने एंड करना है वहाँ तक लेके आने के बाद नीडल को वहीं से गुजारना है और वहीं तक लेके जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये बुलियन नोड की पहचान होती है, इनके इस तरह बनता है, आपने इस थ्रेड को इस तरीके से आराम आराम से, ये देखिए आराम आराम से निडल के गिर्द आप घुमाती जाएंगी इस तरह, ठीक है, ये देखिए। अब इस
स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुलियंस ले लूँगी। ये देखिए बुलियंस ले लूँगी, ठीक है। ये बुलियंस लेने के बाद बुलियंस लेने के बाद मैं इसे आहिस्ता से इसे पुल करूँगी, हल्के से हाथ से घुमाएंगे हम ताकि ये निडल से उतर जाए धागा, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आपने धागे को खींच लेना। धागे को खींचने के बाद ये इस तरह से कुछ बन का सामने आ जाएगा ना, तो फिर आपने इसको जहाँ पर भी प्लेस करना था यहाँ से प्लेस करके आप इसके नीचे से, ये देखिए इसके नीचे से आपने नीडल को निकाल लिया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये फ्लावर कट के तैयार हो चुका। अब हम लीफ पर आ गए हैं। देखिए लीफ को हम फिश बॉन स्टिच से इसको फिल करेंगे। दोनों तरफ से हम टांका उठाते हैं और बीच में से हम निडल को निकाल लेते हैं। ये सबसे ईजी मेथड होता है किसी भी लीफ को फिल करने के लिए। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए हम मैं क्या कर रही हूँ, देखिए दोनों तरफ से, ये देखिए एक तरफ से मैंने धागे को उठाया और फिर दूसरी तरफ से भी उठाकर बीच में से मैंने निकाल लिया। इसे फिश बॉन स्टिच कहा जाता है क्योंकि इसके बीच के अंदर शायद एक बोन सी बन जाती है, शायद इसलिए इसे फिश बॉन कहा जाता है। तो इसलिए अब देखिए ये बहुत आसान स्टिच है। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये देखिए मैं दोनों तरफ से उठाऊँगी और बीच से क्या कर लूँगी, निडल को निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ईजीली ये बन जाता है और ये अच्छा भी बहुत लगता है, खूबसूरत लगता है, खूबसूरती पैदा करता है ये एक तरह से। देखिए सबसे पहले हम बीच वाला स्टिच ले लेते हैं और फिर हम दोनों तरफ से थ्रेड को निकाल कर और बीच में से जब निडल निकालेंगे तो ये एक तरह से ये देखिए सिलेक्टेड सा बन जाता है। अब हम देखिए इसमें थोड़ी सी खूबसूरती और लाने के लिए जो लेजी लेजी से हम लोगों ने लीफ से छोटी छोटी सी लीफ से बनाए हैं उसके अंदर में कॉटन के रेड थ्रेड से, देखिए ये देखिए थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए, यानी कि लाइक इसके बीच में जो छोटी सी स्पेस थी तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसे रेड से इस लेजी डिजी को भर दूं, ताकि क्या होगा कि इसके अंदर एक खूबसूरती सी आ जाएगी और इसके अंदर एक उठान आएगी जो कि देखने वाले को जब आप पहन कर ये नेक लाइन कहीं पर भी जाएंगे तो एक वाजिद करेगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं लीफ के अंदर एक बुलियन नॉट सा बना देती हूँ। इट्स ऑप्शनल, आप बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो कोई बात नहीं, पर मैं खूबसूरती लाने के लिए इसके अंदर एक बुलियन सी छोटी सी नॉट डालूँगी। देखिए बुलियन बुलियन स्टिच चाहिए, ये देखिए निडल के गिर्द आप ये देखिए धागा चढ़ाकर उसे नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये मैंने रेड कॉटन का थ्रेड लिया है। दूसरी दफ़ा भी हम अच्छे से देख लीजिए इसी तरह करेंगे। हम निडल के गिर्द धागे को घुमा लेंगे। जब हमने धागे को पूरा अच्छे से निडल में लपेट लिया फिर हम हल्के हल्के हाथों से निडल को खींच इनके धागे को खींचेंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से निडल को खींचेंगे और इस तरीके से देखिए नीचे से लाकर उसे उसी जगह पर एंड पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये खूबसूरती पैदा करेगा ये और लीफ में। अब हम छोटी छोटी सी यहाँ पर फ्लैश नॉट डाल लेंगे ताकि ये एक अच्छी सी कलरफुल सा एक चेंज ला सके इस नेकलाइन में और सब, ठीक है। अब हम पैटल पर आ गए हैं। पैटल्स बनाने के लिए मैं कास्ट ऑन स्टिच ले रही हूँ। कास्ट ऑन स्टिच का आपको अच्छे से पता है जो मैंने अभी पहले अप्लाई किया था कि आपने एक नॉट सी डालनी होती है। ये देखिए धागे की एक नॉट सी डलती है। ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से और ये नॉट एक ही तरफ आनी चाहिए और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। थ्रेड को जब मैं निडल से निकालूंगी तो ये इस तरीके से कुछ बन के सामने आ जाएगा। ये मैं छोटा सा पैटल्स बना रही हूँ। ये जितने भी स्नैक नेल एंड पैटल्स हैं ये मैंने सेम प्रोसेस से बनाए हैं, ठीक है।
पैटर्न से, ये देखिए इस तरह से। मैं क्या करूँगी, निडल के गिर्द कास्ट ऑन स्टिच से मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या कर रही हूँ कि एक नॉट सी कास्ट ऑन स्टिच में एक तरफ नॉट आती है, एक ये सिंपल कास्ट ऑन स्टिच होता है, एक डबल कास्ट ऑन स्टिच होता है जिसमें दो तरफ से नॉट्स पड़ती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी। ये देखिए ये टेन हमने जब नॉट्स मुकम्मल हो गई तो हमने निडल को खींच लिया। जब निडल को हमने निकाला धागे को, तो ये देखिए इस तरह से एक प्यारा सा छोटा सा पैटर्न बनकर सामने आ गया, और ये इस नेकलाइन में एक अलग खूबसूरती लेकर आएगा। अब देखिए, ये देखिए इसको इस तरह से निकाल लें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, सारे पैटर्न्स मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। अब इसमें बीच बीच में मैं और थोड़ी सी खूबसूरती और चेंजिंग लाने के लिए छोटी सी बुलियन नॉट डाल दूँगी। ये देखिए इसमें बुलियन नॉट बन गई और ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है बनकर पूरा नेकलाइन, और ये सबसे ईजी नेकलाइन डिज़ाइन है जो कि मैंने आपके सामने बनाया है ताकि आप लोग अपने घरों में इजी तरीके से ये बना सकें। ये देखिए, ये मैंने बुलियन नॉट से बनाया है और इसे डिफरेंट स्टिचेस से मैंने बनाया है, इसकी पैटर्न्स वगैरह, और इसे मैंने कास्ट ऑन स्टिच से बनाया है। ठीक है, तो अगर ये आप अपने घर में बनाएंगे, अपने नेकलाइन डिज़ाइनर बनाएंगे, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं जाता, यकीन मान लें आप विद इन 1 आवर ये पूरा कम्प्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।